अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखदमत न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं पाक पतन से। प्रेस क्लब बूंगा हयात अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत राना मोहम्मद याहिया फारूकी ने की। इजलास का आगाज तलावत कुरान मजीद से किया गया। इजलास का एजेंडा अहमद शुजा बोतला जनरल सेक्रेटरी ने पेश किया। इजलास में चेयरमैन सेठ जफर इकबाल समेत तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में इजलास से खताब करते हुए राना मोहम्मद याहिया फारूकी सदर प्रेस क्लब बूंगा हयात ने कहा कि मस्बत सहाफत के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मजलूम की दादरसी और इलाके के मसाइल को उजागर करना और इन्हें हल करवाना हमारा मिशन है। चौक बूंगा हयात हवेली लखा रोड पर सड़क में जो गढ़ा बन चुका है और मुसाफिरों के शदीद परेशानी का बायस है, और 2 किलोमीटर हवेली लखा पर पुली टूटी हुई है। हमने मुसलसल जदोजहद से डीसी अहमद कमाल मान से हमारी टीम ने इसकी मंजूरी करवाई, जिसका टेंडर हो चुका है, और बफजले खुदा इसी तरह इलाके के मसाइल की तरफ आला हुक्काम की तवज्जो दिलाते रहेंगे और इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और जुराइम के खात्मे और निशानदेही के लिए दिन रात कोशा रहेंगे। हमारी टीम बफसले खुदा अनथक मेहनत और लगन से काम कर रही है। शोभा सहाफत में इलाके के मसाइल के साथ साथ सहाफियों की फलाह बहबूद और इनकी तरबियत और सहाफत में मस्बत किरदार अदा करना ही हमारा मिशन है। इजलास में राव मुबारक अली सीनियर नायब सदर राना शाहिद नायब सदर इमाम खान अब्दुल गफ्फार गुजर वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद यार डक्कू नायब सदर मोहम्मद शफीकुर रहमान मसूद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास वट्टू डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार महार मोहम्मद जहीर जट बाबर खान मोहम्मद रमजान भट्टी सदाम हुसैन मेंबर और इमरान हाशमी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन प्रेस क्लब बूंगा हयात ने शिरकत की। रिपोर्ट इमरान हाशमी अलखदमत न्यूज़ बूंगा हयात।